वडोदरा वासियों के लिए सर के दर्द समान और जानलेवा साबित हो रही वैसी भटकती गाय की परेशानी के बीच शहर के आजवा रोड से पानी गेट की ओर जा रहे वैसे 60 वर्षीय वृद्ध बाइक चालक को अचानक से धस आई वैसी दो गाय ने चपेट में लेते हुए उनकी चार पसलियां टूट जाने के साथ वे गंभीर रूप से घायल हुए थे। वडोदरा शहर में भटकते कुत्ते और भटकती गाय की परेशानी को रोकने के लिए कॉरपोरेशन तंत्र सरासर निष्फल साबित हुआ है। ऐसे में थोड़े दिनों के अंतराल में ये भटकती गाय को रोकने के लिए मानो एक दिखावी कामगिरी के भाग रूप इन्हें पांजरापोल में कैद करने की कामगिरी की जाती है। ऐसे में ये कामगिरी के साथ भी कॉरपोरेशन तंत्र ढोर पार्टी के कर्मचारी और पशु मालिकों के बीच कई विवाद भी घटित हो चुके हैं। ऐसे में भटकती गाय की परेशानी यथावत रहते हुए एक बार फिर शहर के आजवा रोड से पानी गेट की ओर जा रहे वैसे ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के कर्मचारी 60 वर्षीय वृद्ध बाइक चालक पर अचानक से गाय ने हमला बोलते हुए वे गंभीर रूप से घायल होने की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें मिली जानकारी के आधार पर शहर के मकरपुरा जशोदा कॉलोनी में रहते वैसे 60 वर्षीय रमेश भाई परमार अपने नौकरी के सिलसिले में बाइक पर सवार आजवा रोड से महावीर हॉल होकर पानी गेट की ओर निकले थे। ऐसे में अचानक से दौड़ी चली आई वैसी गाय ने बाइक चालक 60 वर्षीय रमेश भाई परमार पर सिंह से हमला बोलते हुए उन्हें बाइक के साथ नीचे गिरा फेंका, जहां उन्हें गंभीर चोट पहुंचने के साथ तत्काल रूप से 108 एम्बुलेंस का भी संपर्क करना चाहा, लेकिन फोन नहीं लगते हुए आखिरकार घायल वैसे रमेश भाई को 15 जितने लोगों ने पुलिस कंट्रोल को जानकारी देते हुए PCR वान के जरिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 60 वर्षीय रमेश भाई परमार आजवा रोड महावीर चौरास्ते के पास आई हुई वैसी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं, जहाँ उन्हें कंधे तथा सीने में चोट पहुंचने के साथ उनकी चार पसलियां भी ये गाय के हमले में टूट चुकी होने का निदान किया गया है। भटकती गाय की परेशानी के चलते न जाने कई लोगों की जान भी जा चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। बावजूद ये समस्या हल होने का नाम ही नहीं लेते हुए पीड़ित वैसे रमेश भाई परमार के पुत्र ने इस संदर्भ में नाराजगी व्यक्त की थी। नाम रमेश भाई देवजी भाई परमार से मैं आजवा रोड थी आवतो तो અને હું આ બાજુ પાણી ઘેર જવાનું મારા સરદાર ભોની લાઈનમાં તો આશરે ગાયો બે દોડીને એક ગાય મારી બાઇકમાં અથડી ગઈ। હવે શું ખબર સાહેબ, આડી ઉતરી એટલે મને તો ખબર જ નથી ગાય આવે છે। હું તો બાઇક પર ચાલુમાં આવે તો મને ખબર જ ના હોય ને, ઠૂકાઈ ગઈ બે જણ, ગાયમાં જ આખી ગાડી અથડી ને હું પડ્યો બાજુમાં। મારું નામ રમેશભાઈ દેવજીભાઈ। મારા પપ્પાનું નામ રમેશભાઈ દેવજીભાઈ પરમાર છે અને પપ્પા એક કામ અર્થે આજવાથી પાણીગેટ તરફ જઈ રહ્યા હતા, તે દરમિયાન અચાનક ગાયોનું ટોળું વચ્ચે આવ્યું, એમાંથી એક ગાય એકદમ જ ગાય બાઇક ઉપર આવી ગઈ અને રોડ ક્રોસ કરતી હતી ગાય આડો, એટલે પપ્પાને તો ધ્યાન જ નહોતું કે ગાયો આવે છે એવી રીતે, તો એમાં અચાનક ગાય આવવાથી પપ્પા પડી ગયા અને એમને પગમાં અને અહીંયા હાથમાં વાગ્યું છે અને અહીંયા આખી જે પાસળી આવે એ તૂટી ગઈ છે, એટલે આવી બેફામ બનેલી ગાયોનો કોઈ રસ્તો નથી, આ તંત્ર શું કરે છે કે ખબર પડતી નથી। બે દિવસ યુદ્ધ ચલાવે છે, ફરી પાછી અતિ એવી ઠંડી થઈ જાય છે હાથ પર હાથ મૂકીને, તો તમારા આ મીડિયાના માધ્યમથી હું એવું કહેવા માંગીશ કે તંત્ર જો આના માટે કાયમી ધોરણ રીતે કંઈક ચલાવે અને નિર્દોષોનો બચાવ થાય એવા કંઈક પગલાં લેવા જોઈએ। જયેશ કુમાર રમેશભાઈ પરમાર।